Hello students, this is Neeraj Gupta. 11th accounts का जो first chapter है, introduction to accounting. आज मेरी कोशिश रहेगी कि इस fifth video में आपका ये first chapter की जो theory है, उसको मैं complete कर दूँ. इसमें हम अपना discussion start कर रहे हैं with accounting information. देखिए अकाउंटिंग अपने आप में कोई प्रोडक्शन नहीं है, अकाउंटिंग अपने आप में कोई सेल्स नहीं है, अकाउंटिंग तो सिर्फ एक जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनकी रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासिफाई करना है और समराइज करके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिसमें मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है. तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग तो देती ही इंफॉर्मेशन है. If we talk about accounting information, तो accounting तो information ही provide करती है. हम अभी ये discuss करने वाले हैं कि information कितनी तरह की होती है और दूसरी बात इन information के users कौन-कौन हैं. These are the two things that we are going to discuss. So accounting जो है information की अगर हम बात करें तो process तो accounting information generate करने का वही है कि हम financial transactions को record करें, उसके बाद हम उनको classify करें और क्लासिफाई करने के बाद हम उनको समराइज करें. सो जो समराइजिंग है इससे हमारी बेसिकली दो चीजें निकल के आएंगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक बैलेंस शीट. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एंगल से कैश फ्लो को भी कैलकुलेट किया जाता है. तो यानी अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें, जैसे कि आपको मैंने असाइनमेंट्स भी दिए हुए हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि जिन स्टूडेंट्स के पास मेरे असाइनमेंट नहीं है वो वेबसाइट nishulkshiksha.com से इसको डाउनलोड कर लें. सो जैसे कि आप असाइनमेंट में भी देख रहे होंगे इंफॉर्मेशन कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग के कंसेप्ट को यूज करके, अकाउंटिंग प्रोसेस को यूज करके तीन तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट करती है. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, जैसा मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दूसरा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बैलेंस शीट, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आज की तारीख में हमारी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं. और तीसरा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैश फ्लो. मैंने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कैश फ्लो का मतलब कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, कि भी टोटल हमारे पास कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है, इसको जानना बहुत जरूरी है. डेटर से कब कलेक्शन हो रही है, ऑन एन एवरेज हमारी कैश सेल्स कितनी है, इंटरेस्ट डिविडेंड की फॉर्म में कितना पैसा आ रहा है, अगर हम कोई अपनी एसेट्स इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उससे कितना पैसा आएगा, ये सब चीजें हुई इनफ्लो. और आउटफ्लो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है. जितने तरह के एक्सपेंसेस हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, टेलीफोन बिल्स हैं, रॉ मटेरियल है, परचेज ऑफ मशीनरी है, डिविडेंड पे आउट है, एम्प्लॉइज की सैलरीज हैं, बोनस हैं, कितने ऐसे खर्चे होते हैं. सो मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूसली ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारे पास कितना कैश इनफ्लो है ताकि हम कैश आउटफ्लो को प्लान कर सकें. इवन अगर हम फ्यूचर के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करके अपने आप को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा तो चाहिए. तो ये सारी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट देता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देती है. अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन है, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. देखिए जहां तक सवाल है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज कौन कौन करते हैं, इसको हम इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं. वन इज इंटरनल यूजर्स एंड द अदर इज एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में सबसे पहले हैं ऑनर्स, नंबर टू पे इसके अंदर आ जाता है मैनेजमेंट, और नंबर तीन पे इस पे आ जाता है एम्प्लॉइज. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन हैं. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स की अगर हम बात करें तो इसमें तीन तरह के लोग हैं. इंटरनल यूजर्स की बात करें, जो कंपनी में है, जो बिजनेस में है, वो है ऑनर्स, जिन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने रिस्क लिया है, तो डेफिनेटली वो जानना चाहते हैं कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है.
मैनेजमेंट जो उस बिजनेस को रन कर रही है वो ये जानना चाहती है कि हम कितना कैश आउटफ्लो कर सकते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई, कोई नई मशीनरी खरीदनी हो, कोई नई ब्रांच खोलनी हो, एम्प्लॉइज को बोनस देना हो, गवर्नमेंट को टैक्स देना हो, पैसा तो चाहिए। सो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एम्प्लॉइज भी हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई उनको जो भी उनके बोनस हैं, सैलरीज हैं, वो टाइम से मिल रही हैं, कंपनी के पास कितने प्रॉफिट्स हैं, वो इस बेसिस पर जज करके अपना बोनस डिमांड करते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये भी इन्फॉर्मेशन देती है कि जो उनके प्रोविडेंट फंड और ESI वगैरह की पेमेंट्स हैं वो कंपनी ने टाइमली डिपॉजिट्स कर दी हैं, कल को ये ना हो रिटायर हो पता लगा कंपनी के पास पैसा ही नहीं है। सो एम्प्लॉइज इन सब एंगल से इन चीजों को चेक करते हैं। अब अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की, जो कंपनी से बाहर के लोग हैं, तो उनमें कौन कौन है जो किसी की कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, इस समय मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी कंपनी की कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, किसी कंपनी का कितना प्रॉफिट है लॉस है, किसी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है। अब देखा जाए तो जो कंपनी में नहीं है उसको क्या मतलब है, जो मर्जी होता रहे। एक बार तो दिमाग में यही सोच आती है ना कि किसी भी कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, किसी भी कंपनी का कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये एक कोई देखने वाली चीज नहीं है। जो है सो है, ठीक है, वी आर नॉट मच बॉदर्ड अबाउट इट, देखा जाए तो ये पोजीशन सामने आती है। लेकिन हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो कंपनी से बाहर है, एक्सटर्नल यूजर्स, उनको भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, यानी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन में, कंपनी की बैलेंस शीट में इंटरेस्ट है। ऐसे लोग कौन है? सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उनको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेना होता है। सो डेफिनेटली कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कंपनी को पैसा देगा तो उससे पहले वो ये चेक करना चाहेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है। जब तक वो नहीं पता चलेगा तब तक काम नहीं चलेगा। कंपनी की टर्नओवर कितनी है, टोटल सेल्स कितनी है, कंपनी ने पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिटर्न भरते वक्त उन्होंने अपना कितना प्रॉफिट शो किया है, ये सारी बातें कंपनी की बैंक को चेक करनी पड़ती है कोई भी लोन या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देने से पहले। सो डेफिनेटली कंपनी की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो लोन देने से पहले बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चेक करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर्स। अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की या पार्टनरशिप फर्म की, तो वहां तो आमतौर पर पैसा खुद ही ज्यादा लगाया जाता है। लेकिन अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें बहुत सारे लोग कंपनी में शेयर होल्डर बन के पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब डेफिनेटली अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैं उससे पहले ये इंश्योर करूंगा कि हाँ, मुझे ये चीज पूरी तरह से श्योर हो जानी चाहिए कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या कंपनी कमजोर है या कंपनी बहुत अच्छा चल रही है। जितनी स्ट्रांग कंपनी होगी उतने ही ज्यादा इन्वेस्टर उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने में बिलीव करेंगे। सो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वेरी मच रेलेवेंट है। तीसरे नंबर पे आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जो कंपनी को उधार में माल देते हैं। कोई भी कंपनी या तो ट्रेडिंग करेगी, यानी माल बना बनाया फिनिश गुड्स लाएगी और बेचेगी। अब हर समय तो कई बार पैसा नहीं रहता है, तो स्टॉक भरने के लिए कंपनी क्रेडिटर्स जो है खड़े कर सकती है, यानी मार्केट से ये बोल सकती है कि आप हमें उधार में माल दे दीजिए, जब हमारा बिक जाएगा हम आपके पैसे दे देंगे। सो डेफिनेटली क्रेडिटर भी ये देखेगा कि जिसको मैं दे रहा हूं उसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बेशक वो 10 लाख रुपए का माल उधार ले रहा है, लेकिन अगर उसकी 5 करोड़ की बिल्डिंग है तो आदमी सोचेगा कि हाँ, ये एक रिलायबल आदमी है, कितने सालों से कंपनी चल रही है, कितने प्रॉफिट में है, मार्केट स्टैंडिंग क्या है, मार्केट रेपुटेशन क्या है। कोई भी आदमी उधार में माल देने से पहले, ये लोन नहीं है, ये उधार में माल है। कई बार हफ्ते की उधार होती है, कई बार महीने की उधार होती है, जैसा जैसा बिजनेस हो, जैसी जो आइटम हो। इवन अगर आप मैन्युफैक्चरर भी हैं तो हो सकता है आप रॉ मटेरियल उधार में ले रहे हो। व्हाट आई मीन टू से, इन एनी सिचुएशन उधार की जरूरत पड़ी जाती है, तो क्रेडिटर्स भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन देख के हमें जज करते हैं और उसके बेसिस पर हमें कितना वो माल उधार में दे सकते हैं इस बात को डिसाइड करते हैं। नंबर 4 पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज। देखिए, जहां तक सवाल है गवर्नमेंट अथॉरिटीज का, गवर्नमेंट को अपने टैक्स लेने होते हैं।
अब आज की तारीख में मिनिमम 5% तो वैट होता ही हर आइटम पे, कभी कभी तो वैट रेट 12% 13% 13.5% होता है। अब जीएसटी भी आने वाला है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक जीएसटी आ चुका हो। सो गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए, पूरे साल में जो प्रॉफिट हुआ उसके बेसिस पर इनकम टैक्स चाहिए। जो कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, कुरियर कंपनीज है, इवन हम जो कोचिंग सेक्टर में आप लोगों को कोचिंग दे रहे हैं, हम सबके ऊपर सर्विस टैक्स है। वो बात अलग है, जैसे मैंने कहा जीएसटी आने के बाद सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स मर्ज हो जाएगा। तो बेसिकली हमारी बात यही है कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस चीज को चेक करती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के कि भाई कंपनी के पास जो टोटल टर्नओवर है, कंपनी के पास जो टोटल सेल्स है या अमाउंट रिसीवेबल बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज है, उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो कंपनी ने प्रॉपरली दे दिया या नहीं दिया। अब गवर्नमेंट के पास चेक करने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। After all, गवर्नमेंट ये तो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ना कि हर ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जाके बिठा दे कि भाई देखो वहां पर क्या हो रहा है, रोज चेक करो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो आप अकाउंट्स बनाते हो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करके आमतौर पर वो उस स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट करती है और उसके बेसिस पे जज करने की कोशिश करती है कि भाई कंपनी ने अपनी जो भी टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटीज थी वो पूरी कर दी है। अकाउंट्स देख के पता चलेगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाएंगे, रिसीट बुक्स मंगवाएंगे, बिल्स मंगवाएंगे, वाउचर्स मंगवाएंगे, उसके बेसिस पे कंपनी को ये असेस किया जा सकता है कि जो उनकी टैक्स लायबिलिटीज थी वो उन्होंने पूरी दी के नहीं। सो इसका मतलब मैं डेफिनेटली विद कॉन्फिडेंस ये समझा सकता हूं आपको कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है, उसी से वो ये जज कर पाएंगे कि उन्होंने अपने टैक्सेस प्रॉपरली दे दिए या नहीं दे दिए, राइट। इसके बाद कुछ और लोग भी हैं जो स्टडी करते रहते हैं, जैसे रिसर्चर्स हैं। रिसर्चर्स क्या है, रिसर्च कर रहे हैं, मे बी वो सिर्फ कंपनी ट्रेंड देख रहे हैं कि भाई इंडियन कंपनीज ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं या फॉरेन कंपनीज कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स ज्यादा कमा रही हैं या ट्रेडिंग कंसर्न्स कमा रही हैं, इंपोर्टर्स ज्यादा कमा रहे हैं या लोकल मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा कमा रहे हैं, इंडिया का एक्सपोर्ट किस सेक्टर में ज्यादा है किसमें कम है, रूरल इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही है या अर्बन इकोनॉमी ज्यादा ग्रो कर रही है। तो रिसर्चर्स भी बहुत सारी कंपनीज की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को स्टडी करते रहते हैं। सो डेफिनेटली उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होती है क्योंकि वो उसी के बेसिस पर इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। इसके अलावा कंज्यूमर्स ये देखना चाहते हैं कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं वो कंपनी कितना कमा रही है। अगर वो बहुत कमा रही है तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन आती है कि कंपनी या तो कुछ फ्रीबीज दे, कुछ फ्री गिफ्ट्स दे, या प्राइस रिड्यूस करे, या एटलीस्ट क्वालिटी इंप्रूव करे, क्वांटिटी बढ़ाए। कई बार होता है जब कंपनी ज्यादा कमा रही होती है तो वो क्या करती है कि भाई जो चीज पहले माना 100 ग्राम का पैक होता है तो उसके अंदर 20 ग्राम्स फ्री करके 120 ग्राम्स कर देती है। सो डेफिनेटली कोई भी कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो कुछ क्वांटिटी बढ़ाए, जैसे मैंने कहा क्वालिटी बढ़ाए, या कुछ फ्री गिफ्ट्स दे, प्राइस रिड्यूस करे। तो एक कंज्यूमर भी कुछ हद तक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उससे कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन जज करने की कोशिश करते हैं, है ना। और अगर कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट खरीद रहा है, जैसे मान लेते हैं सपोज मेरे को अपनी बिल्डिंग है, एक मैंने कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें 10 लिफ्ट लगनी है, ऐसा सोचिए। अब एक लिफ्ट कम से कम 10 से 15 लाख 20 लाख रुपए की होती है, तो मैं अगर इतना बड़ा प्रोडक्ट लगा रहा हूं और वो भी माना मुझे 20 लिफ्ट लगानी है सपोज, तो इसका मतलब 2 करोड़ की पेमेंट है। तो मैं 2 करोड़ की पेमेंट करने से पहले ये चेक करूंगा कि कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। कोई कमजोर सी कंपनी हो और उसके साथ मैं 2 करोड़ की डील कर लूं तो मैं फंस सकता हूं। सो इवन एज ए कंज्यूमर मुझे सम टाइम सामने वाली कंपनी जिसके साथ मैं डील करने जा रहा हूं उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये हुआ कंज्यूमर्स। और लास्ट में जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक का वैसे देखा जाए तो किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन से ज्यादा रिलेशन नहीं होता, बस इतना ही होता है कि ये देखना कि भाई कंपनी इतना कमा रही है, इसकी इतनी बड़ी टर्नओवर है, तो ये जनरल पब्लिक के लिए कुछ करे, कुछ फ्री स्कूल्स बनवाए। होता ना, हम भी क्या करते हैं, अगर हमारे को माना मंदिर में कोई प्रोग्राम करना है, कोई प्याऊ बनवाना है, कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इस इलाके में सबसे अमीर आदमी कौन है, उसके घर जाते हैं, उसको बोलते हैं सर आप दान दीजिए, हमें रामलीला का फंक्शन करना है, हमें कोई भी एक्टिविटी करनी है। सो इसी तरह से जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसमें भी जनरल पब्लिक के अंदर अगर कोई सोशल एक्टिविटी है, कोई मान लेते हैं चैरिटेबल स्कूल बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, तो जो उसको मैनेज करने वाले लोग होंगे वो क्या सोचेंगे कि भी चलो जो कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, जिनकी टर्नओवर ज्यादा है, जो बड़े बड़े लोग, बड़े लोग की क्या डेफिनेशन है, यही तो है ना बड़े लोगों की डेफिनेशन, कि वो ये देखेंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छा कमा रही है तो क्यों ना इस व्यक्ति के पास जाके हम जो है कुछ उधार मांगे, कुछ दान मांगे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलती है।
सो जनरल पब्लिक में भी एक अवेयरनेस रहती है कि हाँ ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो इससे हम कोई सोशल एक्टिविटीज में हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं, है ना। सो दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसके यूजर्स कौन कौन है, और इसके अंदर ऑनर्स हैं, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज हैं, इंटरनल यूजर्स, और एक्सटर्नल यूजर्स में भी है बैंक्स, इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स जो प्रोबेबल बनेंगे, क्रेडिटर्स जो उधार में माल दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपने टैक्स के लिए, इंडस्ट्री ट्रेंड को स्टडी करने के लिए रिसर्चर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, और जनरल पब्लिक है सोशल हेल्प के लिए। तो ये सभी लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं और उसी से इनका काम चलता है। चलिए अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं इसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अभी हमने ये तो बताया आपको कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो तीन तरह की होती है, प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन और कैश फ्लो। यूज करने वाले दो लोग दो तरह के होते हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। अब सवाल ये कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द क्वालिटीज वी एक्सपेक्ट इन एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हम क्या क्वालिटीज एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात जो हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं वो ये कि रिलायबल। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन पे भरोसा ही ना हो तो उसको क्या यूज करेंगे, क्या उसके बेसिस पर डिसीजन लेंगे। अल्टीमेटली हमने तीन तरह के इंटरनल यूजर, छह तरह के एक्सटर्नल यूजर पढ़े, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के कुछ डिसीजन ही तो लेने वाले हैं। और अगर वो इंफॉर्मेशन रिलायबल ही ना हो, एरर्स हो, इनकम्प्लीट हो, हैफजर्ड वे में बनी हुई हो, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो ना किए गए हो, तो ऐसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का फायदा क्या। अगर हम न्यूज़पेपर में कोई रिपोर्ट पढ़े, कोई न्यूज पढ़े और रिपोर्ट झूठी हो या थोड़ी सही हो थोड़ी गलत हो, तो ऐसी इंफॉर्मेशन का क्या फायदा। तो जो सबसे पहली बात निकल के आती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में वो ये कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो करेक्ट होनी चाहिए, वेरीफेबल होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर वेरीफाई करनी पड़ जाए तो उनके वाउचर्स होने चाहिए सपोर्टिंग, ताकि ये ना हो कि कोई भी चीज हम कहें तो अंदाजे से लिख दी। अंदाजा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी नो गेस वर्क। गेस वर्क नहीं, हर चीज एकदम प्रॉपरली बनी हुई हो तब उसकी फायदा है। रिलायबिलिटी के बाद आ जाती है रेलेवेंस। जिस बंदे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसको अगर हम दे पाए तभी वो रेलेवेंस है। नहीं, अब जैसे माना फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाहता हूं कि भाई इंडिया के अंदर कितने लोग एजुकेटेड है। अगर मेरे को इंफॉर्मेशन दी जाए कि भाई इंडिया में टोटल पॉपुलेशन इतनी है, इसमें इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, इतने बच्चे हैं, इतने गांव में रहते हैं, इतने शहर में रहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए इररिलेवेंट है। मैं जानना चाहता हूं, मेरे को इंडिया में ये जानना है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, तो ये डेटा कुछ और है, ये डेटा कुछ और है। इसी तरह से मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूं, मुझे डिसीजन लेना है कि मैं एक नई मशीनरी खरीद सकता हूं कि नहीं। उसके लिए मुझे चाहिए कैश फ्लो कि हमारे पास आज की तारीख में कितना बैंक बैलेंस है और अगले दो महीनों में कितना बैंक बैलेंस और खर्चे आने जाने वाले हैं। अब ऐसे में अगर कोई मेरे को सिर्फ कंपनी की बैलेंस शीट दे दे जो चार महीने पुरानी हो तो उससे मेरा कोई पर्पस सर्व नहीं होता। इसका मतलब एक क्वालिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से वो ये कि जिस यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो जिस पर्पस के लिए चाहिए उसका वो पर्पस सर्व हो, दैट मींस वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट होनी चाहिए। और तीसरी बात, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबिलिटी, राइट, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रिहेंड। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर हमने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन बना दी है जिसको एक बहुत ही टेक्निकल बंदा, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही समझ सकता है, जबकि अभी हमने देखा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स में, ठीक है बैंक्स में तो टेक्निकल लोग होंगे लेकिन जनरल पब्लिक भी है, रिसर्च करने वाले लोग भी हैं, और बहुत तरह के लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। ऐसे में जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई जाए, जो अकाउंट्स पेश किए जाए फाइनेंशियल पोजिशन के, प्रॉफिट एंड लॉस के, कैश फ्लो के, दे शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि एक आदमी उसको समझ के उसके बेसिस पे डिसीजन तो ले पाए, नहीं तो फिर तो कोई पर्पज सर्व ही नहीं हो पाएगा। So, ये तीन क्वालिटीज के बाद चौथी है कंपेरेबिलिटी, कि हम उस डेटा को कंपेयर कर पाए। अब कंपेयर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन कंपाइल की जा रही है वो साल दर साल मोर और लेस सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करे। प्लीज फोकस करने की कोशिश कीजिएगा, कंपेयर हम करें। सपोज हमने एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और अब हम अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं,
तो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिगर वाइज तो डिफरेंट हो, लेकिन लुक वाइज, फील वाइज, कौन सी इंफॉर्मेशन कहां पर किस तरह से दी गई है, उस एंगल से उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो चेंजेस इसके अंदर ज्यादा होंगे सो डेफिनेटली कंपेयर करना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो कंपेरेबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। और आखिरी बात जो हम इसमें कवर करें वो ये है कि देयर शुड बी नो विंडो ड्रेसिंग। इसमें विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग से मेरा मतलब यह है कि हम किसी तरह की कोई हेरा फेरी ना करें, क्योंकि अगर हम हेरा फेरी करते हैं अकाउंट्स के अंदर तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, जो बात हम बताना चाह रहे हैं वो कितनी सही है। अगर सपोज हमने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को प्रॉफिटेबल शो करना है, हम जानबूझ के टर्नओवर उसी में दिखा दें, ओवरऑल पोजीशन तो सेम है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी फिर रिलायबिलिटी भी खराब होती है। तो यही मैंने कहा कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो डेटा है, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो रिलायबल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, और उनको हम कंपेयर कर पाए साल दर साल दूसरी फर्म्स के साथ, अपने पास्ट के साथ, और देयर शुड बी नो विंडो ड्रेसिंग। ये चीजें इसके अंदर बहुत जरूरी है, ठीक है। इस वीडियो में हम इतने कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डबल एंट्री के बारे में। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश कर दूंगा, लेकिन अभी एक वीडियो की छोटी और जरूरत पड़ेगी, तो अगली वीडियो में हम इसको कवर करते हैं। थैंक यू।